ह्यूमंस ने कई इन्वेंशंस किए हैं और खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का इलाज किया है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने के बावजूद हमें एक डिसीज़ का इलाज नहीं मिल पाया है, जिसका नाम है कैंसर। आज की डेट में कैंसर के 14 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हैं। बेसिकली जब नॉर्मल सेल्स की डीएनए में म्यूटेशंस होता है तो कैंसर की शुरुआत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स म्यूटेशन को खुद से पहचान कर म्यूटेशन प्रोसेस को फिक्स कर देते हैं या फिर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। हाउएवर कुछ म्यूटेशंस अर्ली स्टेज में सेल्स डिटेक्ट नहीं कर पाती और ये आसपास की टिश्यूज को कैंसरस बना देता है। जब इन टिश्यूज की कुछ सेल्स ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है तब वो वहाँ की भी सेल्स को डैमेज पहुँचाती है। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस के बाद कैंसर को क्योर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कैंसर सिर्फ एक डिसीज़ नहीं है, इसके 100 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं। मोस्ट कैंसर्स में ट्यूमर्स को सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है और बाद में रेडिएशंस और कीमोथेरेपी के थ्रू बची हुई कुछ अदर कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। हार्मोन थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपी और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट्स का यूज किया जाता है। इन मेनी केसेस ये थेरेपीज काफ़ी इफेक्टिव होती हैं और पेशेंट कैंसर फ्री हो जाता है, लेकिन फिर भी ये थेरेपीज 100% इफेक्टिव नहीं है। करंटली हमारे पास कैंसर को स्टडी करने के लिए इनफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। हम इन ट्रीटमेंट्स में ट्यूमर्स के कुछ सैंपल लेकर लैब्स में स्टडी करते हैं। ये सेल्स हमें कैंसर जेनेटिक्स और बायोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स तो देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्चुअल ट्यूमर्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए काफ़ी नहीं है। इन कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि इन कैंसरस सेल्स के डिफरेंट सब क्लोन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लायोब्लास्टोमा, ये एक ब्रेन ट्यूमर है। इसमें कैंसरस सेल्स के 6 से भी ज़्यादा सब क्लोन्स एक सिंगल पेशेंट में पाए जाते हैं। इस फिनोमेना को क्लोनल हेटरोजेनिटी कहा जाता है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई ड्रग किसी पर्टिकुलर सबक्लोन के अगेंस्ट इफेक्टिव है तो वो किसी दूसरे सबक्लोन के अगेंस्ट उतना ही इफेक्टिव नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक ट्यूमर बॉडी में इकोसिस्टम तैयार करता है जिसके थ्रू कैंसरस सेल्स एक दूसरे से और अदर हेल्दी सेल्स से कम्युनिकेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन से ट्यूमर्स नॉर्मल सेल्स की हेल्प से नई ब्लड वेसल्स बनाती है, जिससे कि वो ट्यूमर को फीड कर सके और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सके। ये ट्यूमर्स इम्यून सिस्टम के फंक्शन में भी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, जिससे इम्यून सिस्टम कैंसरस सेल्स को पहचान नहीं पाती। अगर हम इन कम्युनिकेशंस को किसी तरीके से रोक सकते हैं तो ट्यूमर को कॉन्क्योर करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमें कैंसर स्टेम सेल्स को भी समझना पड़ेगा। ये सेल्स रेयर होती हैं, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन को रेजिस्टेंट बन जाती है। ट्रीटमेंट के दौरान अगर ट्यूमर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर एक सिंगल कैंसर स्टेम सेल भी जिंदा रहती है तो ट्यूमर फिर से उभर आ सकता है। अगर हम किसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर भी लेते हैं तो भी ये कैंसर सेल्स खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अडेप्ट करने में माहिर होती हैं। जब कैंसर सेल्स रेडिएशन और केमोथेरेपी ट्रीटमेंट में होती है तो इनमें से कुछ सेल्स अपने जीन एक्सप्रेशन में बदलाव लाती हैं, जिनसे उनकी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है और ये रेडिएशंस और केमोथेरेपी के अगेंस्ट और भी प्रोटेक्टिव बन जाती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद हमने कैंसर की ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। कैंसर की एवरेज मॉर्टेलिटी रेट 1970 से काफ़ी कम हुई है और अभी भी ये कम हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हेल्थ रिलेटेड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।